हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद, क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अम्मा फिज़ा खुसूसी कलाम बाय मीर हसन मीर एंड मीर जावद मीर। मीर हसन मीर एंड मीर जावद मीर। मीर जावद मीर इनके बेटे का नाम है। यस, एक मीर कासिम मीर एंड एक मीर जावद मीर। तो लेट्स सी इस नोए को सुनते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। बहुत रिक्वेस्ट आ रही इस वीडियो की। सो लेट्स सी, अब इस वीडियो को देखते हैं। अम्मा फिजा, 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 बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। ऐसा है ये चराग़ा दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। इतना चले हैं पैदल कांटों पे सारे कैदी, थक जाती चलते चलते चलती अगर जमीन भी, पैरों के आबले भी आंसू बहा रखे हैं, क्या शाम आ गया है। फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। लोग किस तरह के से दुआ कराएं, ऐ कैदियो दुआ दो ये दिन ना हम पे आए, खोए लेकर दुआएं हम से दिल भी दुखा रखे हैं, क्या शाम आ गया है। फिजा को जितने सर हैं एक सर है उनमें ऐसा, आंखें हैं बंद उसकी और खाक पर है गिरता। हाय अब्बास का ये सर है तेवर बता रहे, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा तेजों पे जितने सर हैं एक सर है उनमें ऐसा, आंखें हैं बंद उसकी और हक पे है गिरता। शाम आ गया है फिजा, बता दे मुझको फिजा पत्थर क्यों आ रहे। फिजा माओ की गोदियों से लिपटे हुए हैं बच्चे, हैं गत रस्सियों में माओ के ऐसे जकड़े, है बच्चे जो गिर रहे हैं, है वो मरते जा रहे हैं, क्या शाम
شام آ گیا ہے حافظ مشکل کشا کا بیٹا نام غرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے کیا شام آ گیا ہے پلکوں سے کر رہی ہے ماتم جو بنت زہرا سجاد نوحہ خواں ہے نوحہ سنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے شام آ گیا ہے حافظ لٹرلی بہت دردناک بہت دردناک. میرے سن امیر سر کی نوحے میں ایک چیز جو بہت زیادہ خاص ہوتی ہے اگر تم نے غور کیا ہوگا تو ان کے جو نوٹس ہوتے ہیں نا جو مطلب جس ان کا جو ووکل ہوتا ہے جس طرح سے یہ پڑھتے ہیں بالکل پراپر چلتا ہے کہیں بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے تو یہ چیز تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی میرے سن امیر سر کے نوحے میں کہ اوپر نیچے کوئی بھی ان کا نوٹس ہو رہا ہے بہت نیکسٹ لیول آ رہا ہے ان کی آواز بہت نیکسٹ لیول کی ہے بہت تکلیف دیتی ہے اینڈ ان کے بیٹے تھے میر جاوید میر ان کا نام ٹھیک ہے میر جاوید ہے جاوید جاوید ہوتا ہے ایک جاوید ہوتا ہے جاوید کا میننگ مجھے بتانا بہت دردناک نوحہ تھا اما فضا ایک طرح سے لائک جب سب لوگوں کا قتل ہو گیا ہے شام میں تو جو لوگ بچے ہوئے تھے لائک مولا سجاد علیہ السلام بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اینڈ بی بیاں جو بچی ہوئی تھی ان کو قیدی بنا کے شام لے جایا جا رہا ہوتا ہے ان کو لائک اس طرح سے قیدی کی طرح ان کے ہاتھ وغیرہ باندھ دیے جاتے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو بہت بہت تکلیف ان کو وہاں پہ ملتی ہے ان کو پیدل چلایا جا رہا ہے لٹرلی تو اس طرح سے اس نوحے کو بنایا گیا ہے شام قریب ہے میرے خیال سے شام جو ہے وہ جسٹ ٹچ ہی ہو گیا ہے تو ان کو بہت لوگ وہاں پتھر مار رہے دیٹس وائی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بار بار بی بی فضا سے کہہ رہی ہے ایک طرح سے کیونکہ ان کا خیال رکھنے والا اگر وہاں پہ کوئی بڑا ہے تو وہ بی بی فضا ہے اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ وغیرہ بٹ وہاں پہ سب سے بڑی بی بی فضا ہے جو کہ ان کی کنیز ہے
कनीज़ सिर्फ कहने के लिए एक तरह से उनको बहुत संभाला है उन्होंने स्टार्टिंग से, जब से बीबी फातिमा ज़ारा सलाम अलैहा की शहादत हुई थी तब से बीबी फिजा सलाम अलैहा ने उनके बच्चों का ख्याल रखा है, चाहे बीबी ज़ैनब हो चाहे इमाम हुसैन हो चाहे मौला अब्बास, लिटरली सबका ख्याल बीबी फिजा ने रखा है स्टार्टिंग से एंड तक, एंड वो कैदी बनने तक उनका ख्याल रखती है, शाम तक, शाम के बाद भी तुम कह सकते हो। तो उनसे पूछा जा रहा है कि शाम आ गया क्योंकि हमें पत्थर लग रहे हैं, लोग हमको ताने मार रहे हैं, लोग हमको कह रहे हैं कि आप लोग हमारे लिए दुआ करो कि हमारे साथ आपके जैसा दिन ना कभी आए। इस तरह से वहाँ के लोग उनको कह रहे हैं, लिटरली पत्थर मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं, तड़पा रहे हैं, उनके फादर के नाम से उनको चिढ़ाया जा रहा है, बहुत तकलीफ़ उनको वहाँ पे मिल रही है, लिटरली बहुत दर्दनाक नौबत था यार। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का जो लाइक गुस्सा है वो बार बार नज़र से नीचे गिर जा रहा है, आँख उनकी बंद है, तो वो बार बार पूछ रहे कि शाम आ गया। इस तरह से शाम का खौफ बीबी सकीना सलाम अलैहा के दिल में बैठ गया क्योंकि उन्होंने तमाचे भी खाए थे वहाँ पे मखतल में, शिमर ने मारा था। तो सोचो वो सोच रही है कि जिस तरह से मुझे तमाचे यहाँ पड़ रहे हैं तो ये लोग जहाँ से आए हैं जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो मेरे साथ वहाँ पे कितनी तकलीफ़ मुझे मिलने वाली, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा खौफ में आ गई है शाम को लेकर, बहुत तकलीफ़ में वहाँ पे। तो इस तरह से वो बार बार अपनी फिजा अम्मा से पूछ रही है कि क्या शाम आ गया है, बहुत दर्दनाक है सच बता रहा हूँ। तो ये इनका और इनके बेटे का नोहा था, मुझे नहीं पता ये एक रीमेक क्रिएशन था क्योंकि ये रेहान आज़मी सर ने लिखा है, तो ये काफ़ी ओल्ड रिटनिंग होंगी इसकी, काफ़ी पहले ये लिखा गया होगा, तो ये एक ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं रेहान आज़मी सर के लिए क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो लास्ट ईयर भी बिल्कुल एक ऐसा कलाम आया था मीर कासिम मीर के साथ आया था जो कि था बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के ऊपर वो नोहा था, जो कि उसके पहले भी मीर हसन मीर सर ने पढ़ा हुआ था उस नोहे को, तो दोबारा से उसे रिक्रिएट किया था लास्ट ईयर, सबने सुना होगा। क्या था उस नोहे का नाम, तू ना आया गाजी है ना, तू ना आया गाजी, ये जो नोहा था सबको याद होगा, बहुत नेक्स्ट लेवल यार वो नोहा, उस तरह का नोहा मुझे लगता नहीं कभी लाइफ में बनने वाला है, लिटरली इस तरह का वो नोहा है, इतना तकलीफ है उस नोहे के अंदर में। तो यस, इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना इस वीडियो का जो लिंक, यस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी से बी है पी पी साउट याली मदद लव भाई क्या उसे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है, हफीज़ा बता दे मुझको।